श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। फ्रेंड्स, ये है डुएट साउंड गार्ड। एबू जी का एक बहुत ही प्रीसियस साउंड कार्ड आप बोल सकते हैं उसको, ऑडियो इंटरफेस। इसको ज़रा एक बार गौर से देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये है वॉल्यूम डायल या जॉक डायल आप बोल सकते हो। ये जॉक डायल, ये देखिए, इसको घुमाने से वॉल्यूम आप इसका गेन भी बढ़ा सकते हो, हेडफोन का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो। उसको पुश करने से यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो इसका जो एक्टिविटीज है, हेडफोन्स जो है और लाइनिंग्स जो है सबका, मतलब आप सबका जो पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ इस पर दबाने से। और यहाँ पे आपको आएगा हेडफोन या जो स्पीकर्स जो है उसको आप डिम भी कर सकते हो एक बार दबाने से। जैसे लाइन इन है, ये गिटार इन है और ये है माइक्रोफोन इन, मतलब माइक लाइन के लिए है। और आपको और एक चीज़ है, ये है स्पीकर लाइन। इसको वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, और कम करना है तो जॉक डायल घुमा के भी कम कर सकते हो आप। इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। और ये है फोन्स, हेडफोन्स का लेवल आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। अभी हर एक चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपको, लेकिन सिर्फ एक जॉक डायल को प्रेस करना है। एक बार करके प्रेस करेंगे तो लाइन इन आ गया, मतलब ये जो आपका लाइन इन का ऑप्शन देता है गिटार का और इंस्ट्रूमेंट्स का। और इसके साथ साथ है स्पीकर वॉल्यूम और ये है हेडफोन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर सेट करना है इसका तो आप यहाँ से घुमा के आप इसको सेट कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक बार, बहुत ज़्यादा तो ये फोकस नहीं होता, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। अभी आते हैं इसका जो इनपुट पॉइंट जो है, कितना चैनल का इनपुट है इसका। इसका इनपुट है दो इनपुट, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ दो ही इनपुट। ये है एक इनपुट, ये है एक इनपुट दूसरा। आप इसको देख सकते हो कि ये कॉम्बो इनपुट बोलते हैं इसको। इसके अंदर आपका एक्सेलर भी जाता है, थ्री पॉइंट जो आपका थ्री पिन एक्सेलर, ये भी आता है इसके अंदर जैसे होता है। और दूसरा एक आता है, वो है टी एस पिन। ये वाला टी एस पिन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ये वाला, ये टी एस पिन, इसको टी एस पिन कहते हैं। तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, भले आप माइक्रोफोन का जो एक्सेलर चैनल जो होता है उसको कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो टी एस पिन भी कनेक्ट कर सकते हो। जो इनपुट है, दो इनपुट इस यहाँ पे मिलेगा आपको, दो इनपुट और उसका दो आउटपुट है, जो मास्टर आउटपुट आप कह सकते हो उसको। दो आउटपुट यहाँ पे है, और हेडफोन्स के लिए एक आउटपुट आपको दिया है जिसको स्टीरियो कह सकते हो आप। हेडफोन का आउटपुट आपको दिखाई देगा यहाँ पे, देख लीजिए, यह है हेडफोन आउटपुट। और सामान बहुत ही, मतलब बहुत ही क्यूट बनाया इन लोगों ने। चलिए फ्रेंड्स, एपोजी जो साउंड कार्ड है आप देखें, उसके ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं। हमारा कीबोर्ड से बजा हुआ एक डेमो सेशन है, तो चलिए उसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
रिकॉर्डिंग हम लोग जो किए थे ये 48 किलोहर्ट्ज़ सैंपलिंग रेट में किए थे। यूएसबी पावर्ड है, ये कंप्यूटर से यूएसबी में आता है, और ये जो पीछे का जो हिस्सा है ये है इसका इनपुट, मतलब आईओ केबल जिसको कहते हैं आईओ केबल। ये आईओ केबल के जरिए आप ये दो इनपुट और दो आउटपुट इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप चीज़ को देखिए, बहुत ही मतलब क्यूट देखने में, इसका साउंड क्वालिटी आप भी सुने होंगे, बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है ये। अगर आप कोई छोटा मोटा होम स्टूडियो खोल रखे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। 96 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट में आप अगर इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको ये देगा, डिलीवरी देगा। इतना अच्छा क्वालिटी देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ छोटा मोटा बजट में अगर लेना चाहते हैं तो ये आप साउंड कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देता है। अगर होम स्टूडियो है उसमें दो चैनल काफ़ी होते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, इसका जो पीछे जो है इनपुट सेक्शन, ये है आपका यूएसबी केबल, यह है एडिशनल पावर सेक्शन, अगर आप पावर देना चाहते हो इसमें तो पावर दे सकते हो। और उसके बाद ये है आईओ सेक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक से। ये देखिए आईओ सेक्शन, ये आईओ सेक्शन बराबर, और ये है आपका मीडी सेक्शन। तो इसके ज़रिए आप कोई मीडी कनेक्शन कर सकते हैं कीबोर्ड में, और कीबोर्ड में अगर मीडी कनेक्शन करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर में जो VST है उसको आप प्लेबैक कर सकते हो। जो RTS प्लगइन्स है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल जो प्लगइन्स आपको जो मिलेगा, सब के सब प्लगइन्स को आप आराम से आप यूज़ कर सकते हो मीडी केबल के ज़रिए। तो एक ही छोटा जो साउंड कार्ड जो है, इसके ज़रिए आप दो चैनल इनपुट आपको मिल रहा है, और साथ में मीडी जो इंटरफेस वो भी आपको मिल रहा है, और इसमें आपको हेडफोन का आउट भी दे रखा है, आप हेडफोन पहन के भी मिक्स कर सकते हो। और आपका स्टूडियो जो आउट है उसके लिए तो केबल है ही, इसको केबल को मैं अलग से मतलब अलग से रखा है, ये अलग से आपको मिलेगा इसके साथ पैकिंग के साथ ही। तो जब भी आप इसको खरीदेंगे किसी भी दुकान से, जब खरीदेंगे कि कोई भी ऑनलाइन स्टोर से खरीदेंगे, तो आपको ये केबल इसके साथ फ्री मिलेगा। और एक USB केबल जो है, ये USB केबल आपको मिलेगा। तो USB केबल और ये जो आपका आईओ केबल आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको ये ऑडियो इंटरफेस मिलेगा। लेकिन ये ऑडियो इंटरफेस बहुत ही बढ़िया है, आप इसको अगर इस्तेमाल एक बार करेंगे तो मैं तो दवा के साथ बोल सकता हूँ कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं कभी। इसके साथ साथ हमारे पास और भी है साउंड कार्ड, वो हम बाद में दिखाएंगे। और ये तो हमारा मिक्सिंग कंसोल है, आपने देखा है, और ये जो मिक्सिंग कंसोल है इसके साथ हम लोग जब इसका यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी देते हैं। जबकि इसमें ये जो मिक्सिंग कंसोल आप देख रहे हैं, इसमें आपको 32 चैनल इनपुट है, लेकिन कभी कभार हम लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे कि गाना वाना कंपोज करने के लिए, ये एपोजी यूज़ करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्वालिटीदार मतलब सामान है ये। आप अगर सोच रहे हैं कुछ साउंड, अच्छा सा कोई साउंड कट खरीदने का, तो बेफिक्र रहिए, आप एपोजी तक जा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो लेके नेक्स्ट वीक पे।